हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आज हम जो सीरीज शुरू करेंगे वो है पार्ट नंबर वन ऑफ चैप्टर फोर ऑफ आवर एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास नाइन्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट मैटर, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मैटर और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, इस तरीके की तमाम चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि जो हम स्टडी कर चुके हैं एटम के बारे में। आई वुड लाइक टू रिवाइज यू कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हमने इस तरीके से पढ़ा था, राइट, कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो साइंटिस्ट के नोटिस में अलग अलग चीजें आने लगी और साइंटिस्ट को पता लगा कि एटम्स आर स्टिल डिविजिबल, एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एटम्स की कंपोजिशन के बारे में जानने की इच्छा हुई साइंटिस्ट को कि एटम्स किस चीज से बनते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि नंबर वन क्वेश्चन जो उनके दिमाग में अराइज हुआ, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के एटम्स चलो इस तरीके से हमें दिखते हैं, इस तरीके की उनके पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट के एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो ऑफकोर्स इन एटम्स में और इन एटम्स में फिजिकल और केमिकल नेचर दोनों में ही डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट तो ये था कि व्हाट मेक्स द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जिन्होंने साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर किया कि आर एटम्स रियली इनडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, जैसे कि हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर एंड इट इज इनडिविजिबल। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि देर आर स्टिल चांसेस कि एटम्स के अंदर और भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हों। अब वो कैसे पता लगाएंगे? ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स दिए। उनके बेसिस पे ऐसा बोला गया कि हो सकता है एटम्स आर स्टिल डिविजिबल, जैसे कि वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस कि मैटर्स आर नॉट इनडिविजिबल वो क्या रही थी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराई जाए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास कराते हैं एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि हम देखते हैं हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, राइट, कंडक्टर्स होंगे, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर मैटर जो कि कंडक्टर है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे उसी की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। अब ऐसा इनके अंदर क्या स्पेशल है कि ये गुड कंडक्टर्स हैं और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं? सो देयर इज सर्टेनली अ डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ एटम्स, कि एटम्स की बनावट में ही कोई डिफरेंस है। अब वो किस तरीके से है ये हमें आगे जानना है। इसी सीरीज में साइंटिस्ट को आगे चलकर पता लगा कि मैटर के अंदर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्टार्ट रबिंग कॉम्ब इन आर ड्राई हेयर तो हमें क्या मिलेगा कि जो कंघी है, ये जो कॉम्ब है और ये हमारे बालों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। अब ये अट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि सर्टेन चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉम्ब पे हैं और अपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल्स हेयर में प्रोड्यूस हुए हैं, जिस वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि मैटर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि मैटर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि नंबर वन आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। अब ये इलेक्ट्रॉन
कि डिस्कवरी वाले जो साइंटिस्ट रहे हैं ये अलग हैं, प्रोटोन हमें जिस साइंटिस्ट ने दिया है वो अलग रहे हैं. अलग अलग समय पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते रहे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, और हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उसके बाद तो फिर हमें न्यूट्रॉन्स भी देखने को मिले, राइट. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है. उसके लिए सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन. जे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल दिया एटम को लेकर, जिसको जे जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से जाना गया. इसके अंदर थॉमसन ने बताया कि कोई भी एटम इस तरीके से एग्जिस्ट करता है जैसे कि क्रिसमस के ईव पर मिलने वाली एक स्पेशल डिश हो, और वो किस टाइप की होती है, पडिंग टाइप की, राइट. या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल, राइट. जिसके अंदर जे जे थॉमसन ने बताया कि जो रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन का, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली एम्बेडेड हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन के अंदर सीड्स रैंडमली एम्बेडेड होते हैं. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रैंडमली एम्बेडेड. और इसी तरीके से ओवरऑल जो चार्ज होगा पूरे इस एटम के ऊपर वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव रेड पोर्शन वाला है वाटरमेलन को अगर हम कंसिडर करें, तो पॉजिटिव रेड पोर्शन जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है उतना ही न्यूट्रल कर दिया जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो कि रैंडमली अरेंज्ड है. इसके अंदर कोई एक फिक्स्ड फैशन में अरेंज्ड नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटम इज न्यूट्रल. सो जे जे थॉमसन ने इस मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए. नंबर वन वॉज एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, राइट. And the next one was कि the negative and the positive charges are equal in magnitude, so the atom as an whole is electrically neutral. Electrically it is neutral. ये दो चीजें तो इसने explain कर दी, लेकिन इसके drawbacks ये रहे इस model के कि जो फर्दर scientists आए और उन्होंने अलग अलग discovery की, उसको ये model satisfy नहीं करता था. और वो कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने फिर अपने क्या मॉडिफिकेशंस किए एक एटम के स्ट्रक्चर को लेके, वो आगे देखते हैं. दिस इज नॉट द फाइनल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ एन एटम. ये उन टाइम पे उन साइंटिस्ट के हिसाब से सही था जब वो चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन आज के किसी एक एटम को उठाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, दैट इज नॉट लाइक दिस. लेकिन ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो फाइनल रिजल्ट है वो एकदम से एक्यूरेट नहीं आता, एक सीरीज ऑफ फेलियर्स होती हैं उसके पीछे. तो इसका भी कहीं ना कहीं हाथ है चीजों को एक्सप्लेन करने में. हेंस ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो नंबर में, तीन नंबर में, कि स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो हमें ये दो पॉइंट्स बताने होते हैं, राइट, विद डायग्राम. आई होप आपको ये क्लियर है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. हमारे पास एक और साइंटिस्ट रहे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हु वाज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या होती है किसी भी एटम में, जो कि हमारे थॉमसन सर ने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फैशन में नहीं होते एक एटम में. सो रदरफोर्ड वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया, जिसके अंदर उन्होंने एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की रे को हिट करवाया एक थिन गोल्ड फॉयल पे. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहां से एक अल्फा पार्टिकल्स की रेज आती हैं, ये है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, और इसको इन्होंने एक थिन स्लिट से पास करवाया ताकि एक्स्ट्रा लाइट जो आ रही है इधर उधर से वो ना आए और एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा रहे, और इनको एक थिन गोल्ड फॉयल पे
हिट करवाया, ये हमने गोल्ड फॉयल ले ली। स्टूडेंट्स हियर आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि गोल्ड क्या है हमारे पास, गोल्ड इज अ मेटल और मेटल की बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होते हैं, राइट। मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं, यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो वही हमने प्रॉपर्टी यूज करते हुए गोल्ड की एक बहुत ही पतली चादर बनाई और उसको यहां लिया, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स को हिट कराया है गोल्ड पार्टिकल्स पे, गोल्ड के एटम्स पे। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग हमेशा याद रखें कि डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस आर नोन एज अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या बोला है कि हीलियम के आयंस है हमारे पास, वो भी जो डबली चार्ज्ड हैं। अब हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, सीरीज में इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, राइट। लेकिन हीलियम डबली चार्ज्ड, HE2 पॉजिटिव, ये होता है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स। डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं और उसी की एक बीम हमने थिन गोल्ड फॉयल पे हिट कराई है। तो एक्सपेक्टेड तो क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द गोल्ड एटम्स, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स। ऑफ कोर्स इस गोल्ड शीट में क्या होगा, एटम्स होंगे अलग अलग, राइट, एटम्स होंगे अपने अपने। तो क्या एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बिकॉज इन एटम्स के अंदर है प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। तो क्या एक्सपेक्ट किया था साइंटिस्ट ने पहले, उसका रिजल्ट नहीं देखा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी, अनुमान था कि कैसा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा हैवी हैं प्रोटोन से। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो डिफ्लेक्शंस आएंगी वो बहुत ही मामूली सी होंगी, यानी कि मियरली एनी डिफ्लेक्शन, हो सकता है मुश्किल से ही कोई डिफ्लेक्शन आए। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या देखा साइंटिस्ट ने रिजल्ट में इन्होंने टोटली अनएक्सपेक्टेड चीजें देखी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। सपोज ये एक एटम है, इसको लेके हम समझते हैं, तो इन्होंने देखा रिजल्ट में कि ज्यादातर जो रेज आ रही हैं अल्फा पार्टिकल्स की, वो ज्यादातर इस एटम से स्ट्रेट पास हो गई, राइट, ज्यादातर रेज स्ट्रेट पास हो गई, मोस्ट ऑफ द रेज स्ट्रेट निकल गई वहां से। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ जो रेज थी वो इस तरीके से थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, यहां से आने वाली रेज थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि सम ऑफ द रेज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। राइट, और जो नेक्स्ट उन्होंने देखा, जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट था उनके लिए, वॉज दैट कि लगभग 12,000 रेज अगर इसके ऊपर डाली जाए, तो उन लगभग 12,000 में से एक रे ऐसी थी जिसने कि अपना पाथ रिट्रेस किया, यानी कि वो यहां से गई, कहीं हिट हुई और वापस से इसी रास्ते से बाउंस बैक कर गई। ये बहुत ही शॉकिंग था रदरफोर्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने तो सोचा था कि हार्डली ही कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन 1 in nearly 12,000 रेज डिफ्लेक्टेड विद द हाईएस्ट एंगल एंड रिट्रेस्ड इट्स पाथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया, ये तो थे इनके रिजल्ट, फिर उन्होंने चीजें कंक्लूड की, और कंक्लूड क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन्होंने कंक्लूड किया कि असल में एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है, राइट? तो पहली चीज जो इन्होंने अपने कंक्लूजन में इंक्लूड की वो थी कि एक पॉजिटिव चार्ज है एटम के सेंटर में, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और वो एटम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है. नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस. क्योंकि ये जो रे बाउंस बैक कर गई, ऐसा तभी हो सकता है जब इस पॉजिटिव चार्ज यहां से, क्योंकि HE2 पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बाउंस बैक तभी करेगा जब यहां पे कोई बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो यही रीजन था कि इन्होंने पहली चीज बताई कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, जो कि सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, और जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया. और कहता है कि पूरे एटम का मास इस न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है, कि मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू इट्स सेंटर, और जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियस का, राइट? ये था इनका पहला कंक्लूजन एटम के स्ट्रक्चर को लेके. फिर इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इस सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और वो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, राइट? तीसरी चीज जो इन्होंने दी वो थी कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एटम के कंपेरिजन में. सो साइज ऑफ न्यूक्लियस इट वॉज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ होल एटम. ये थे हमारे कंक्लूजन्स. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफी हद तक सही था, लेकिन इस एटॉमिक मॉडल में भी एक मेजर ड्रॉबैक थी, और वो ड्रॉबैक क्या रही? वो ड्रॉबैक रही कि इन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऑर्बिट्स हमेशा फिक्स्ड क्यों रहेंगे. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा, यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, क्योंकि रिवॉल्विंग मोशन जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है. सो एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल जब भी मूव करेगा वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा. इट रेडिएट्स इट्स एनर्जी, रेडिएट्स एनर्जी. अब एनर्जी अगर ये रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? डाउन होगी. अब एनर्जी डाउन होगी तो वो सेम ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व कर पाएगा? इट वॉज अ बिग क्वेश्चन. इस हिसाब से तो फिर क्या होगा कि ये सेम पाथ ना ट्रेस करके और इसका ऑर्बिट एक स्पाइरल बन जाए, और वो धीरे धीरे जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाए. अब अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस में कोलैप्स करेंगे, तो एटम्स की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है. एटम्स की स्टेबिलिटी फिर वो कहां से आई, जबकि एटम्स तो स्टेबल होते हैं. एटम्स क्या? एटम्स से बने हुए मैटर जो हम आसपास देखते हैं वो सब क्या है? स्टेबल है. लेकिन ये जो चीज है अगर इसी तरीके से रही, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आई, तो फिर हम तो एटम्स की स्टेबिलिटी पे ही क्वेश्चन उठाएंगे. क्योंकि एनर्जी रेडिएट होती है, और एनर्जी रेडिएट होगी तो ये एक दिन क्या करेंगे, एक टाइम पे आके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएंगे, एंड हेंस एटम्स वुड कोलैप्स, एंड हेंस मैटर वुड स्टार्ट कोलैप्सिंग, मैटर वुड कोलैप्स. सो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक. अगर आपसे पूछा जाता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो आपको पहले ये सेटअप बनाना है, इस सेटअप में यूज हुई सारी चीजें बतानी है,
फिर आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताना है, फिर आपको ओरिजिनल रिजल्ट बताना है, फिर आपको कंक्लूड करनी है चीजें, राइट? और फिर आपको इसकी एक मेजर ड्रॉबैक बतानी है. दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. सो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इतनी खास बातें होते हुए भी जो एक मेजर ड्रॉबैक थी उसी को ओवरकम करने के लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया. यानी कि एक अनदर साइंटिस्ट रहे हैं हमारे, नील्स बोहर. उन्होंने एटम को डिफाइन करते हुए अपना एक अलग से मॉडल पुटअप किया, जिसके अंदर मेजर पोस्टुलेट्स जो उन्होंने दिए वो इस तरीके से थे. फर्स्ट वन वॉज कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला जाए, वही अलाउड्स हैं एक एटम के अंदर. यानी कि ऑर्बिट्स ना होके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे. डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऐसे सर्टेन ऑर्बिट्स जिनकी एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, राइट? सो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एग्जिस्ट इनसाइड एन एटम. ये इनका पहला मेजर पोस्टुलेट था. नेक्स्ट वन वॉज कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, यानी कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी इन स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए नहीं होगी. नेक्स्ट वन वॉज, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. व्हाई? बिकॉज दे रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन सम स्पेशल ऑर्बिट्स, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिनकी एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होती है. तो फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, क्योंकि ये दो मेजर पॉइंट्स इन्होंने बता दिए. तो इनके हिसाब से दीज ऑर्बिट्स या फिर शेल्स, इनको एनर्जी लेवल्स के नाम से जाने लगा. दीज ऑर्बिट्स या फिर जिनको शेल्स भी बोल दिया जाता है, इनको एनर्जी लेवल्स के नाम से जाने लगे. अब एनर्जी लेवल्स किसी भी एटम के अंदर किस तरीके से होंगे? जैसे कि ये बीच में हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, राइट? पहला एनर्जी लेवल जो होगा उसको हमने डिफाइन कर दिया के से, के शेल होगा. यानी कि इसका नाम रख दिया के शेल, राइट? पहले शेल का नाम है के शेल. अब जो इसके बाहर शेल आएगा वो होगा एल शेल. फिर जो इसके बाहर आएगा वो होगा एम शेल, और उसके बाहर जो आएगा वो होगा एन शेल. ये है हमारे पास एम शेल, और जो आउटर मोस्ट है वो है एन शेल. अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, ना कि वो आके न्यूक्लियस में कोलैप्स करेंगे. सो दीज आर सम एनर्जी लेवल्स इन एन एटम. यहां पे के शेल को हम एन इक्वल टू वन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? यहां पे एल में एन इक्वल टू टू, यानी कि ये सेकेंड लेवल है. एन इक्वल टू थ्री, ये थर्ड लेवल है. और एन इक्वल टू फोर, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. दिस इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल. और प्रेजेंट डे हम जो मॉडल सक्सेसफुल मानते हैं, या जिसको आधार बनाकर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अभी आगे, वो क्या होगा? कहीं ना कहीं बोहर्स एटॉमिक मॉडल होगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों थ्योरीज या तीनों जो भी समय समय के साथ हमारे पास एटम्स के मॉडल्स आए वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखिए. होपफुली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी एक्सरसाइज और एनी अदर क्वेश्चन, यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. यू वुड डेफिनेटली गेट योर आंसर सॉर्टेड आउट. स्टूडेंट्स, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू।